ओला इलेक्ट्रिक की जब से लिस्टिंग हुई है सर, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर स्पेस है वो काफी ज्यादा लाइमलाइट आ गया। बजाज ऑटो यूजुअली हम इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के हिसाब से कम बात करते हैं, टीवीएस में भी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर का प्ले है और उसमें तीसरा नाम जुड़ गया है ओला इलेक्ट्रिक का। अगर आप लेटेस्ट नंबर्स देखें तो बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर दोनों ने अपना मार्केट शेयर गेन किया है, लेकिन ओला इलेक्ट्रिक के मार्केट शेयर में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है और स्टॉक में उसका हमने इम्पैक्ट देखा भी है। जो हाई बना था लिस्टिंग के बाद से उसके बाद स्टॉक करेक्ट भी हुआ है। तो इस पूरे स्पेस में अगर किसी को रहना है इसी व्यू के साथ इलेक्ट्रिक टू व्हीलर स्पेस में, क्या पसंद करेंगे आप, बजाज ऑटो, टीवीएस या ओला इलेक्ट्रिक? गुड क्वेश्चन संदीप जी, आपने आखिरी में बाउंसर मार दिया है। तो देखिए सर, यहाँ पर क्या है, देखिए बिल्कुल बेस ओला इलेक्ट्रिक के लिए छोटा है। अगर आप ओला इलेक्ट्रिक देखिए, मैंने आईपीओ भी कवर किया था, 7700 करोड़ रुपए का असेट्स है और कंपनी आरएनडी में काफी पैसा खर्च कर रही है, नेट लॉस कंपनी क्लॉक करती है और सीधे कंपनी ने रिजल्ट्स में भी आप देखिए, कॉन कॉल भी कंपनी की सुनिए तो कंपनी ने ज्यादातर इस बात पे डिस्कस किया कि साहब देखिए मेरा एक्सपेंशन प्लान कितना अच्छा है, मेरी टोटल इनकम वाई 34% बढ़ी है। अगर आप देखिए तो 7,00,000 डिलीवरी मैंने की है गाड़ियों की, 77% वाई ग्रोथ है। तो मैं दिखाना चाह रहे कि देखिए जैसे क्रॉस मार्जिन मेरा करीब 873 बेसिस पॉइंट वाई बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। आप देखिए तो मैंने 48% इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मेरे पास मार्केट शेयर है। तो ये सारी चीजें कंपनी क्यों दिखा रही है, कंपनी दिखाना चाह रही है ऐसा, मुझे थोड़ा समय दीजिए 2-3-4 साल का। ये जो बजाज ऑटो टीवीएस मोटर देयर एस्टेब्लिश प्लेयर, एक एकॉनमीज ऑफ स्केल भी होती है, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, उनको केयर फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करना है बिजनेस का अपने और वो नए प्रोडक्ट लॉन्च कर पाएंगे और वो हमेशा एक नॉच ऊपर रहेंगे ईवी के अंदर अगर आप ओला इलेक्ट्रिक से कंपेयर करें। तो ओला इज टू न्यू टू बी कंपेयर्ड विद, ये तो कुछ वैसे ही हो गया सर कि 240 सीट आई तो सरकार नहीं बन रही, ठीक है, जबकि 240 सीट आई तो एनडीए की, तो इट वॉज ऑलमोस्ट मेजोरिटी। तो सर यहाँ के आप कंपेरिजन थोड़ा बड़ा हो रहा है ओला इलेक्ट्रिक का, कंपनी को थोड़ा सम्मान देना चाहिए, थोड़ा समय देना चाहिए उनको ग्रोथ का और वो एक अच्छा कॉम्पिटिशन प्ले कर रहे हैं। अगर आप देखिए पहले भी आईपीओ के टाइम पे भी मैंने एक चीज का जिक्र किया था कि इन्होंने गीगा फैक्ट्री फेज वन के हिसाब से और 1.4 गीगावाट का ये बेसिकली एक बैटरी के लिए कैपेसिटी एक्सपेंशन करना चाह रहा है, जहां पर 30,000 सेल ये सालाना पैदा कर पाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने आईपीओ के टाइम पर भी डिस्कस किया था कि बेसिकली क्या है कि आप बैकवर्ड इंटीग्रेशन अपने बिजनेस का कर रहे हैं और एक अच्छी चीज है, क्या होगा आने वाले समय में इनको प्रोडक्ट लॉन्च करने में आसानी होगी। और देखिए आपने किस तरह का, अगर आपके पास लिथियम आयन बैटरी आप बना पा रहे हैं तो सर देखिए किस तरह का हमें मार्केट खुलता हुआ दिखाई दिया एक्साइड और हमारा राजा वगैरह के लिए। तो वो फैक्टर भी ओला के लिए काम करेगा जो मेरे ख्याल से अभी बजाज के लिए और टीवीएस के लिए काम नहीं करेगा सर। तो ये सारी चीजें भी स्टॉक के लिए मुझे लगता है ध्यान में रखना चाहिए। मैं बहुत बुलिश नहीं हूँ, जिस दिन मुझे आप पता है आप थे विपुल जी थे और स्टॉक लिस्ट हुआ था उस दिन 75 रुपए का नोट था। मैं आपने पूछा था साहब क्या करें, चार्ट तो था नहीं, तो मैंने कहा सर देखा स्टॉप लॉस लगाइए बने रहिए। तो देखिए स्टॉक कहाँ का कहाँ पहुंच गया, बट हैविंग सेड दैट ये जरूर है कि कंपनी को थोड़ा समय दीजिए। मुझे लगता है आने वाले समय में कंपनी अच्छा ग्रो करेगी और अच्छा प्लेयर रहेगी, आपको एक अच्छे मार्जिन क्लॉक करेगी, स्टॉक भी आने वाले समय में चलता हुआ दिखाई देगा। बट हैविंग सेड दैट बॉटम लाइन इज कि एक बार टीवीएस और बजाज जैसे शेयर्स का एक बार अपर हैंड रहेगा सर मार्केट पर। एक ही सवाल सर, आपने चूंकि 76 वाला 157 तो बोल दिया, मेरा सवाल उल्टा है, 157 वाला 125 आ गया, अभी खरीदे या अभी रुके? अभी रुकिए सर, मुझे लगता है बिल्कुल अभी रुकिए, थोड़ा सेटल कर दीजिए स्टॉक को पहले, जब किसी वीक में जब सेटल हो जाए, जब गिरते गिराते आते कि ये वीक ग्रीन गया है सर, रेड गया है, जिस वीक में थोड़ा ग्रीन आपको सेटल होता है दिखाई दे, फ्राइडे टू फ्राइडे देखिए, तब आप उस वीक का स्टॉप लॉस लाके खरीदिए। ये सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी होती है, जहां कोई चार्ट ना हो वहां आप क्या करें, जो ग्रीन वीक है उसको पकड़ लीजिए सर, ठीक है, और इसके बाद आप उसका स्टॉप लॉस लाके खड़े हो जाइए, फिर आप स्टॉप आउट होंगे, नहीं होंगे तो स्टॉक चलेगा। परफेक्ट है सर, जिस समय ग्रीन में आता हुआ दिखे जिस हफ्ते में, उस हफ्ते का लो आप एक स्टॉप लॉस के तौर पे लगा लीजिए और वहां पे आपको खरीदारी करनी है। तो आपको स्क्रीन ही डिसाइड करेगी कि आपको किस समय स्टॉक में एंटर करना है। 157 वाला 125 आ गया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसमें खरीदारी करें, जब तक गिरता है, जब तक लाल निशान में रहता है तब तक आप वेट करें, हरे में आने का वेट करें, तो आप उस हफ्ते का लो का स्टॉप लॉस लगा के ओला इलेक्ट्रिक में दोबारा तैयारी कर सकते हैं खरीदारी करने की।